हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने जा रहे हैं जो कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट तो जारी हो चुका है, अब उसके बाद आपको क्या करना होगा। प्रोविजनली सेलेक्टेड दिखा रहा है किसी में नॉट कंसिडर्ड दिखा रहा है, आखिर इसका मतलब क्या हुआ और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है आपके एडमिशन में, किसका एडमिशन होगा किसका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोविजनली सेलेक्टेड का मतलब यह हुआ कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको सेलेक्ट कर लिया गया है आपके नंबर्स के आधार पे। ठीक है, और जिसमें नॉट कंसिडर्ड लिखा रहा है, जिस पे नॉट कंसिडर्ड दिख रहा है, अभी वो सेलेक्टेड नहीं हुआ है, फिर भी आप धैर्य बनाए रखें, लास्ट तक हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोविजनली सेलेक्टेड का मतलब ये हुआ कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, बस कुछ ही दूर आपका और एडमिशन बाकी है। आखिर वो क्या क्या प्रोसेस है हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, प्रोविजनली सिलेक्टेड के बाद आपका स्कूल, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपने फॉर्म फिल किया है जवाहर नवोदय विद्यालय का, आपको वहां से कॉल लेटर आएगा या आप वहां पर जाकर बात कर लें, मिल लें, आखिर कब तक एडमिशन प्रोसीजर प्रारंभ होगा। ठीक है, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके मांगा गया है उसका आप के पास होना अति आवश्यक है, अन्यथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो आपका वहीं से आप डिसक्वालीफाइड हो सकते हैं, आपका एक आपका एडमिशन वहीं पर रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के दौरान लेकर चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेकर चलना होगा। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगा, और आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, नाम कुछ दूसरा हो आधार कार्ड पर और उस पर नाम कुछ दूसरा हो, इस प्रकार से गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एडमिट कार्ड तो आप ज़रूर लेकर चलिएगा, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जब आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाए तब आप वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने स्कूल की तरफ से ले लीजिएगा और रूरल सर्टिफिकेट। ठीक है, रूरल, उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, इतना आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आपको तैयार कर लेना है। अगर आप दिव्यांगजन के कैटेगरी में आते हैं, डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल वालों को छोड़कर, तो आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप यहाँ से जरूर ले लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म फिल करते समय आपके पास एक प्रोस्पेक्टस रहा होगा। उसके बाद टीसी, जब समझ लीजिए आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाए तभी आप टीसी का जरूर से तभी टीसी आप अपने स्कूल से लीजिएगा, अन्यथा इस तरह से टीसी नहीं कटवाइएगा। ठीक है, यही था। ओके, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अति आवश्यक है। ठीक है, प्रोविजनली सेलेक्टेड का मतलब यह है कि आपका चयन होने ही वाला है, लेकिन कुछ स्टेप्स बाकी हैं, कुछ कदम बाकी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट होगा और फिर कॉलेज आपको, फिर आपको स्कूल में वहां पर आपको एडमिशन सुनिश्चित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर बाय चांस मान लीजिए यहां पर 80 सीट हैं, हर स्कूल में 80 सीट हैं, 10 बच्चे क्या हो जाते हैं, डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं, 10 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हो जाते हैं, डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं, तो अब क्या होगा, 70 ही सीटों पे सिर्फ एडमिशन होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो अभी 70, जो आखिर 10 सीट्स अभी बचे हुए हैं, 10 सीट्स बचे हुए हैं, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, नॉट कंसिडर्ड दिखा रहा है, जो वेटिंग लिस्ट वाले होंगे उनको उस अतिरिक्त स्थान पर उनको सीट को वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, उस सीट फिल कर लिया जाएगा वेटिंग लिस्ट वाले को बुलाकर। ठीक है, तो हमेशा आप चेक करते रहिएगा, और जिसका भी सिलेक्शन हो गया है उसको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, लेकिन अभी कुछ स्टेप्स बाकी हैं, उसको सावधानी से करिए, सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास इकट्ठा कर लीजिए, और जब भी आपको एडमिशन के लिए कॉल आए तुरंत जाइए, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है, डॉक्यूमेंट्स बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की उसमें डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट नहीं होना चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट हो गया तब दिक्कत की बात है, तब वहाँ पर रिजेक्ट होने की भी संभावना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, मेडिकल तो बहुत ईजी होता है, इसका हर सिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही होता है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन जब भी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया होगा तो जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरते समय प्रोस्पेक्टस आता है, उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको वहाँ पर लेकर उपस्थित भी होना है, ठीक है। हाँ, और जल्द ही आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी जल्द ही प्रारंभ भी की जाएगी, ठीक है। अभी डेट नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन उसकी जल्द ही प्रिपरेशन स्टार्ट की जाएगी अगले सेशन के लिए, ठीक है। तो इतना ही था आज के वीडियो सेशन में, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।